सीनियर किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मैंगो और बिस्किट से, अलग ही तरीके से हम ये आइसक्रीम बनाएंगे घर में। तो चलिए आज हम ये आइसक्रीम बनाते हैं और कितना इजीली ये आइसक्रीम घर में बन जाता है। तो चलिए फिर बनाते हैं हम इसे। मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए हम कोई सा भी आटे वाली बिस्किट ले यूज़ कर सकते हैं और उसमें उसका कोई फ्लेवर ना हो वही बिस्किट आपको लेना है। और हमने चीनी अपने मीठे के अनुसार से डालेंगे और ये मैंगो को हमने पीस के उसकी प्यूरी ली है। आधे लीटर दूध में बनाएंगे तो इससे हम दो ग्लास दूध हम यूज़ करेंगे। तो हमने ये आधा लीटर दूध ले लिया है। तो देखिए इसमें हमने आधा लीटर दूध डाल लिया है। अब हम इसको उबाल आने तक इसको अच्छे से मिलाएंगे। और आप चाहे तो कच्चे उसका भी दूध का यूज़ कर सकते हैं और पकेगा भी। तो हमारा ये दूध कच्चा था, अब मैं इसको उबालूंगी, तब तक हम इसका वेट करेंगे। और जो हमने बिस्किट लिया था उसको हम बारीक मिक्सी जार में पीस लेंगे। तो जब तक हमारा ये उबाल आता है तब तक हम मिक्सी जार में बिस्किट को पीसेंगे। दूध में उबाल आ गया है, अच्छे से उबाल आ रहा है। और जो हमने बिस्किट को पीसा था उसको हम दूध में ही, पहले हम ऐसे पीस लेंगे उसको, फिर उसमें दूध डाल के उसका लिक्विड सा बना लेंगे ताकि हम दूध के अंदर डालें तो उसमें कोई लम्स ना पड़े। तो इसलिए अब दूध में, बाद में आप पीसने के बाद उसको दूध में घोल लें। ज़्यादा दूध डाल के नहीं घोलना, बस वो इतना हो जाए कि इसमें डालते समय लम्स ना पड़े। ये अच्छे से उबाल आने लगा हमारा इसमें। हम इसमें धीरे धीरे करके ये बिस्कुट जो हमने घोल बनाया था उसको डालते रहेंगे और चलाते रहेंगे। इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, आपको बनाते समय एक हाथ से डालना है और दूसरे हाथ से अच्छे से इसको चलाना है। अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे इसी में। आप चाहें तो बिस्किट की जगह आरा रोट भी गाढ़ा करने के लिए इसमें मैंने बिस्कुट का यूज़ किया है। चीनी हम अपने मीठे के हिसाब से रखेंगे। अब आइसक्रीम है तो मीठा बनता है, तो मैं अपनी सारी चीनी इसमें डाल दूंगी जितना लिया था मैंने। अब अच्छे से इसको मिलाएंगे। अब मीडियम फ्लेम पे ही रख के आप इसको पकाएंगे। अगर गलती से इसमें थोड़ा बहुत अगर लम्स पड़ भी जाता है तो कोई परेशान होने की दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको हम फिर बाद में मिक्सी जार में पीसेंगे तो इसमें के जितने लम्स होंगे सब ठीक हो जाएंगे। जब आप ये कम हो जाए तो इसको कंटिन्यूसली आपको चलाना है, नहीं तो नीचे जल जाएगा ये, क्योंकि ये आटे का बिस्किट है तो नीचे पकड़ लेगा। और देखिए हो गया है। अब हम इसको ठंडा होने तक का वेट करेंगे इसका। तो चलिए अब हम इसका गैस बंद कर देते हैं। ये कब डालेंगे? 10 से 15 मिनट लगेगा इसको बनाने में, ठंडा होने में भी। तो देखिए ये ठंडा होने के बाद ऐसा हो गया है। अब हम इसको मिक्सी जार में डालेंगे। तो मैंने अब जार लिया है, आम की प्यूरी बनाई थी, मैं इसी में इसको यूज़ करूँगी बनाने के लिए। तो अब मैं सारा इसके अंदर डाल दूँगी। इसको मिक्सी जार में कर लिया है, अब इसको फाइन सा पेस्ट बनाऊँगी इसका। तो चलिए अभी मैं पीस के दिखाती हूँ आपको। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसको बन गया है, इसमें कोई गांठ नहीं दिख रही है। ये देखिए मैं दिखाती हूँ। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमने प्यूरी बनाई थी मैंगो की, इसे भी इसी में डाल देंगे। तो देखिए मैंने इसमें डाल दिया है मैंगो का, और देखिए कितना अच्छा स्मूथ सा ये हो गया, बिल्कुल हल्का फॉर्म में आ गया ये। अब हम इसको डिब्बे में रखेंगे जमने के लिए। इसे 2 से 3 घंटा हम डिब्बे में रखेंगे जमने के लिए, उसके बाद हम एक बार और मिक्सी जार में डाल के फिर इसको घुमाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मिक्सी जार डब्बे में रखते हैं इसको हम मिक्सी जार में से। तो देखिए ऐसे हम इस तरीके का एक डब्बा ले लेंगे और उसके बाद हम इसको इसके अंदर डाल देंगे सेट होने के लिए। और हम 2 से 3 घंटा इसको रखेंगे फ्रीजर में अभी के लिए। इसको अगर ज़्यादा क्रीमी बनाना चाहते हैं तो इसमें घर की मलाई या मार्केट से क्रीम इजीली मिल जाता है, आप इसमें वो भी डाल के थोड़ा बहुत और फाइन इसका क्रीमी बनाना चाहते हैं उससे और ज़्यादा क्रीमी बनेगा। तो देखिए हम इसको अलग से करके और बंद करके फ्रीजर में रख देंगे। 3 घंटे के लिए रखेंगे हम इसको फ्रीजर में। तो चलिए रखते हैं इसको। तो हमारा 3 से 4 घंटा हमने फ्रीज में रखा था, अब हम इसको खोल के देखेंगे कैसा हुआ ये।
तो चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये जमा है। अब हम इसको फिर से मिक्सी जार लेंगे, इसमें फिर से वापस इसको डालेंगे और फिर से इसको एक बार और मिक्स करके अच्छे से स्मूथ सा बैटर बना के देखिए इस आइसक्रीम को हमने स्मूथली कितना इसको फिर से दोबारा हमने मिक्सी जार में पीस लिया है। और इसको ज़्यादा नहीं पीसना है दोबारा में, बस खाली इसको मिक्स करना है और जैसे ये फाइन सा बिल्कुल पेस्ट बन जाए और फिर हम वापस उसी डब्बे में डालेंगे इसको। और इसको मिक्सी जार में जब आप पीसेंगे तो आप रुक रुक के पीसना है आपको। अब ये देखिए हम सारा बैटर इसी में डाल देंगे। देखिए हम इसको चम्मच से बराबर कर लेंगे और अच्छा दिखने के लिए हम इस पर डे नाइट के लिए इसे हम फ्रीजर में रखेंगे। और फिर उसके बाद आपके पास ऐसी कोई भी पॉलिथीन हो, जैसे दूध की हो गई या रिफाइंड का हो गया या वैसे सिंपल पन्नी भी आती है, तो आप इसको ऐसे बराबर रख के इसको ऐसे प्रॉपर ढकना है ताकि आपको इसमें ना एक्स्ट्रा जो बर्फ़ जमता है वो इसके अंदर एयर ना जाए। इसलिए हम इस तरीके से करके हम रात भर के लिए या दिन में भी अगर बनाना चाहते हैं तो 6 से 7 घंटे आप फ्रीजर में रखिए और फिर हम इसे दिखाएंगे आपको निकाल के कि कैसा ये जमा था आइसक्रीम। तो चलिए रखते हैं हम इसको फ्रीजर में। मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ, बहुत इजीली निकल जाएगा ये आराम से। हमारा आइसक्रीम बनके तैयार है और खाइए और एंजॉय कीजिए। तो देखिए कितना इजीली ये बन गया और इसको घर में बनाइए और खाइए और फिर बताइएगा कैसा बना था। और लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।